Assalamu alaikum wa rahmatullah. Once again, welcome my dear students. Today we will discuss one more question of comparing quantities, class 8th ka jo hama chal raha hai, exercise 8.3. To question ye hai, calculate the amount and compound interest on. E part hai aaj. ₹10,000 for 1 year at 8% per annum compounded half yearly. मुझे निकालना है अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है मुझे किस पर, जब प्रिंसिपल होगा 10,000, टाइम होगा 1 year, रेट क्या है 8%. लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे ध्यान देना है पहले कि लास्ट पर मुझे क्या कह रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली या कंपाउंडेड एनुअली. अगर कंपाउंडेड एनुअली होगा तो मुझे रेट और टाइम जो है ये चेंज नहीं होगा, लेकिन जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो उस वक्त रेट जो है, रेट ये डिवाइडेड बाय 2 हो रही है, हाफ हो रही है, एंड टाइम जो है ये मल्टीप्लाई बाय 2, ये डबल हो रहा है. तो फिर जो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं विदाउट फार्मूलाज को मैं निकालता हूं अमाउंट भी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी. अब सुनिए, अब प्रिंसिपल दिया हुआ है इट इज 10,000, ओके, रेट दी हुई है इट इज 8%. अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली इट इज, इट में बिकम 8/2, दैट इज 2 × 4 = 8, 4% रेट होगी क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, साल के अंदर दो बार. टाइम जो है, टाइम क्या हो रहा है, टाइम इट इज 1 year, 1 year मल्टीप्लाई बाय 2, ये 1 year 2 years बन जाएगा. ठीक है, पहला काम जो हम करते हैं, हमें रेट निकालेंगे, दैट मीन्स 4%, दैट इज 4/100 इंटू किसका प्रिंसिपल क्या है, इट इज 10,000. ठीक है, टू स्पर्स कट, तो क्या आ रहा है 400 × 4 = ₹400 ये रेट आ रही है. ठीक है, अब वही तरीका, टाइम कितना है 2 साल, मैं लिखूंगा विदाउट फार्मूलाज का जो तरीका मैं बता रहा हूं, 1 साल के लिए 1 लाइन, 2 साल के लिए 2 लाइन्स. ठीक है, यहां रेट क्या आ गई, इट इज 400, यहां भी क्या आएगा 400. हमने बार बार एक क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में भी ये किए, अभी इसका है, इसका क्या 4% ऑफ दिस 400, दैट इज 4/100 × 400. ठीक है, इस पर से 4 × 4 = 16, क्या आ रहा है वो 16. ठीक है, विदाउट फार्मूलाज यही तरीका है, यह आपके मैथ से हटके एक तरीका है, देखो कितना आसान है. अब हम जब सबको हम ऐड करेंगे, 400 + 400 + 16, 8 comes 816. ठीक है, ये इसका क्या निकलता है, ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है 816. सब पैरामीटर्स का मुझे ऐड करना है. ठीक है, अब अमाउंट क्या, कैसे अमाउंट मैंने बताया आपको, हम कंपाउंड इंटरेस्ट से ऐड करेंगे प्रिंसिपल को. ठीक है, अब 816 प्लस प्रिंसिपल कितना है, इट इज 10,000. ठीक है, इट इज 10,000 को हम प्लस करेंगे 816, 6 is 180, इट कम 1081 seconds, जब दोनों को हम ऐड करेंगे 10,816 अमाउंट भी निकला मुझे एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकला. बहुत ही आसान तरीका, कैसे हम अमाउंट को निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालेंगे विदाउट फॉर्मूला. देखो यहां ये लास्ट पार्ट था, मैं आपको फार्मूला के जरिए भी बताऊंगा कैसे हम, फिर आपकी मर्जी है आप फार्मूला के जरिए उसको निकालेंगे या इस ट्रिक के जरिए से निकाल सकते हैं. मुझे लगता है ये ट्रिक बहुत ही आसान है क्योंकि मैं बहुत सारी क्वेश्चंस मैंने इस ट्रिक पर मैंने आपको दिखाए. देखो हम एक आज ट्राई करेंगे, ट्राई मुझे देखना है, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकला इस ट्रिक से, 816 निकला. ठीक है, उसको हम यहां ही रखेंगे. अमाउंट कितना निकला, इट कम्स 10,816. अब देखिए हम फार्मूला जैसे आपके मैथ में दी हुई है, जैसे बाकी सर सब ऐसे ही फार्मूला के जरिए करते हैं, लेकिन कोई इसको ये न कहे कि सर आप गलत दिखा रहा है. सुनिए, देखो आपने फार्मूला में पढ़ी है, फार्मूला अमाउंट निकालने के लिए कौन सी फार्मूला है, इट इज
principal into 1 plus rate into and divided by 100, ठीक है, raised power n, n is the number of years, ठीक है. कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फार्मूला जो आपके मैथ में दी हुई है, पहले मैंने कहा दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालने से पहले मुझे क्या मालूम होना चाहिए, अमाउंट मालूम होना चाहिए. देखिए मैं अमाउंट के लिए ये फार्मूला, इस फार्मूला के थ्रू इस क्वेश्चन को करूंगा, देखते हैं कि मेरा क्वेश्चन आंसर सही निकलेगा कि गलत, और ये भी देखेंगे कि ये आसान ये होगा या ये होगा. देखो अमाउंट दैट इक्वल टू प्रिंसिपल क्या है, दिया हुआ है इट इज 10,000. मैं लिखूंगा 10,000 इंटू 1, फार्मूला क्या है मैं लिखूंगा ऐसे ही, प्लस रेट क्या है यहाँ 4%, मैं 4 लिखूंगा, डिवाइड बाय 100, ये क्या है ये फार्मूला का है, रेस्ट पावर एन मीन नंबर ऑफ इयर्स, ईयर कितने हैं 2 साल, मैं 2 यहां लिखूंगा, ठीक है. फिर सुनिए, ये इट इज 10,000, इट इज हाँ उसको मैं छोटा करूंगा, 4 1 4 4 2 8 2 4 5 20 25 आ गया, तो ये आएगा 1 + 1/25 रेस्ट पावर 2, सिंपल, ठीक है. तो फिर लिखते हैं इट इज 10,000, देखो कितना लेंथी हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इट इज 25 1 + 25 + 1 1 डिवाइडेड बाय 25 1 + 25 रेस्ट पावर 2, कोई शक. फिर देखते हैं आगे, इट इज 10,000, 25 + 1 इट इज 26/25, 2 बार है इसी को मैं लिखता हूं, 26/20 डिवाइड बाय 25, क्योंकि रेस्ट पावर 2 है, 2 बार मल्टीपल है. तो क्वेश्चन हमें इस तरह से है, इट इज 10,000 इंटू 26/25 इंटू 26/25. फिर उसको छोटा मैं करता हूं, 5 5 = 25, 5 2 = 10, 5 0 = 0, 5 0 = 0, 5 0 = 0, ठीक है. फिर 5 से कट, 5 1 = 5, 5 4 = 20, 5 0 = 0, 5 0 = 0. फिर 5 से 5 5 = 25, 5 8 = 40, 5 0 = 0. फिर 5 से 5 1 = 5, 5 1 = 5, 5 6 = 13. तो मुझे निकला यहां क्वेश्चन, इट इज 16/26/26, ठीक है. देखो कितना लेंथ हो रहा है, ये चीजें हमें यहां नहीं करने पड़े. तो जैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूं 3 को, आप देखिए मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करता हूं, ये बड़ा लेंथी प्रोसेस है, इस तरीके से मुझे देखना कि मेरा जो ट्रिक के जरिए मैं दिखा रहा हूं कि वो सही निकला है कि गलत निकला है. 26 × 26 इट कम 10816, देखो 10816, 10816 मुझे निकलता है अमाउंट. मुझे बताइए अमाउंट क्या निकला आपको इस ट्रिक से भी, 10816, 10800, दैट क्वेश्चन सही है. अब देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इट इज अमाउंट, अमाउंट क्या है, इट इज 10816 माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इज 10,000, मैं लिखूंगा प्रिंसिपल इज 10,000, तो 10,000 को 10816 से माइनस करेंगे 10,000 को, तो क्या निकलेगा कंपाउंड इट इज 816, मुझे भी वही निकला है, हाँ वही मुझे भी वही निकला है. अब आपकी मर्जी है, आप चाहे फार्मूला के जरिए उसको निकाल सकते हैं, ये तरीका भी सही है, आप उसको ट्रिक के जरिए विदाउट कंज्यूमिंग सो मच ऑफ टाइम आप इस तरीके से भी उसको निकाल सकते हैं. दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 1, 5 पार्ट्स थे इसके अंदर, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट के निकालने के लिए ट्रिक के जरिए भी निकाल सकते हैं और फार्मूला के जरिए भी निकाल सकते हैं. अब जो आपको अच्छा लगे वो मेथड आप कर सकते हैं. होप यू हैव गॉट दिस, उसको बार बार उनको बार बार ट्राई कीजिए. टुमारो वी विल कम विद अनदर वीडियो. थैंक यू वेरी मच.